सॉरी सॉरी लेट हो गया, वो क्या था उनमें टाइम क्या गाड़ी का है तुम्हारी? इतना थक गया हूँ कि ड्राइव करने की हिम्मत ही नहीं, इसलिए क्या ये आप एक काम कीजिए, अब आप इनका नाम लिख लीजिए मेरे हाथ में, बड़े और साफ अक्षरों में, दूर से भी लोगों को दिखना चाहिए कि दुल्हन की मेहंदी है। जितना उम्र का पर्दा चलते ही मेहंदी लगा रहे हो, आपकी शादी है? रख तो नहीं रहा, सब कुछ इतना खाली खाली है, ना मेहमान है, ना गाना बजाना, ना कुछ। मुझे तो लगा था करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा रही हो, आपकी शादी है? लग तो नहीं रहा, ना तो कोई मेहमान है, ना गाना बजाना, कितना सब कुछ तो खाली खाली है यहाँ पे। अरे आप दुल्हन वाली मेहंदी लगाइए ना, बाकी बातों से आपको क्या लेना देना, और उसका मंगेतर यहाँ है, और कौन चाहिए? और रही बात गाने बजाने की, तो ये लीजिए। और गाना प्ले किया? सही कह रहे हैं, मुझे इनके अलावा और कोई नहीं चाहिए। आप नाम लिखिए, ए डी आई टी। अरे सो डार्क, सो प्रिटी, मुझे तो रात भर स्ट्रेस में नींद ही नहीं आ रही थी ये सोच के कि रंग चढ़ेगा ये। ब्यूटीफुल दुल्हन की मेहंदी लगा के एकदम दुल्हन लग, वैसे बस कुछ ही देर की बात, फिर मैं भी एक शादीशुदा सुहागन रहता औरत बन जाऊंगी, तुम्हारा नाम मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा आदित्य सक्सेना, और मगन से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी मुक्ति जिसे दोबारा वो तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकती। हमारा प्यार जीत गया, देखो ना कितना डार्क रंग चढ़ा है, इसका ये मतलब है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं तुमसे। मंगल जो भी करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत जल्द वो बहन जी तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। बॉयफ्रेंड है ना तुमके, शादी करने वाले हैं आप दोनों? अरे मैं किसी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और शादी मैडम, किसकी शादी, कौन सी शादी? मैं नहीं करा किसी से कोई शादी वादी। और उस सौम्य से तो बिल्कुल भी नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और अब आप मेरा पीछा मत कीजिएगा, समझी? और